हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज का हमारा टॉपिक है सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक है। और ये जो रिलेटेड है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से संबंधित ये चैप्टर है और इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और गाइस, यदि आप वीडियो की ये PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा टॉपिक। तो पहला है पॉइंट्स, अधिशोषण। अधिशोषण क्या है कि सतह में सांद्रता उसके स्थूलन में उपस्थित सांद्रता की उपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद अधिशोषित पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। इसके बाद अधिशोष्य पदार्थ से अधिशोषक पदार्थ पृष्ठ से विलग होने की प्रक्रिया को विशोषक कहते हैं। तो विशोषण, ये पॉइंट्स गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दहेट या PV&FT या फिर PAT जो भी साइंस की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन जो 3 ये एग्ज़ाम हैं जो व्यापम द्वारा आयोजित कराई जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनमें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र से होता है और बाद में यह धीमी गति से होता है। इसके बाद भौतिक अधिशोषण, जो अधिशोषण होता है 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में वांडर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं इसको, और रासायनिक अधिशोषण को कहते हैं रसोशोषण या लेंगमुर अधिशोषण। तो ये इनके जो नाम है गाइस जो अलग से, जैसे रासायनिक अधिशोषण को रसोशोषण या लेंगमुर अधिशोषण कहते हैं, ये पूर्णनाम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद अधिशोषण जो होती है इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ या ऊष्माक्षेपी क्रियाएँ होती हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी जो अधिशोषण होता है जिसमें बहु अणु स्तरें पाए जाते हैं और निम्न ताप पर यह होता है और दाब बढ़ाने पर यह बढ़ता है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस कि भौतिक अधिशोषण है ये उत्क्रमणी है, बहु अणु की स्तरें बनाता है, साथ ही में यह निम्न ताप पर होता है और दाब बढ़ने पर यह बढ़ता है। इसके बाद अधिशोषक वक्र की जो समदापी वक्र का जो फार्मूला है वह है P:x/m। इसके बाद नेक्स्ट, अधिशोषण चीनी को रंगहीन और विश्वमांगी उत्प्रेरण में इसका उपयोग होता है, जिसके इसके अलावा निर्वात उत्पन्न करने और क्रोमेटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उत्प्रेरक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया जाता है बर्लिजिस नामक एक वैज्ञानिक ने। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर MnO2 बनती है। इसके बाद धनात्मक उत्प्रेरण की जो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक व सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। जियोलाइट के बारे में हम देखें तो जियोलाइट एक वर्णात्मक उत्प्रेरक होते हैं। इसके एग्जांपल हैं ZSM5। तो ये हैं जियोलाइट सिल्व ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5। तो ये इसका फुल फॉर्म है गाइस कि जियोलाइट सिल्व ऑफ मोलिकुलरिटी पोरोसिटी 5, जिसका उपयोग गैलोलिन बनाने में किया जा सॉरी गैसोलिन बनाने में जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखें सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो शरीर में कई औषधियाँ एंजाइम को संबंधित करने का कार्य करती हैं। इसके बाद क्रिस्टलाब क्या है, तो जलीय विलयन मार्च पैंट झिल्ली से शीघ्र विस्तृत होते हैं और क्रिस्टल में जो होते हैं शीघ्रता से विस्तृत नहीं होते हैं। इसके बाद कोलाइड विलयन जो होता है विषमांगी तंत्र होता है, और जो वास्तविक विलयन होते हैं वो विषमांगी तंत्र होते हैं, और विलेय जो होते हैं विलायक के समान इसमें होते हैं, जिसका आकार जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम या 10^-9 मीटर होता है और इसे सूक्ष्म आंखों द्वारा नहीं देखा जाता है। एक बार इम्पोर्टेंट, वास्तविक विलयन जो होते हैं समांगी तंत्र होते हैं, इसमें जो विलेय और विलायक के कण समान होते हैं जिनका आकार जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम या 10^-9
मीटर और इन्हें सूक्ष्म आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद निलंबन, निलंबन की बात करें तो ये विषमांगी तंत्र होता है और नग्न आंखों द्वारा इसे देख सकते हैं। इसमें विलेय के कणों का जो आकार होता है 1000 एंगस्ट्रॉन होता है और विलायक के कणों का जो आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉन इसमें होता है। इसके बाद कोलाइडी विलयन के बारे में हम देखें तो ये विषमांगी विलेय हैं और विलायक भिन्न होते हैं। इसमें विलेय और विलायक के आकार भिन्न होते हैं। विलेय के जो आकार होते हैं 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन तक होते हैं, जबकि विलायक के जो कणों के आकार होते हैं वे 1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन के मध्य होते हैं। कोलाइड कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जाते हैं और फिल्टर पत्र से बाहर निकल जाते हैं। ये धनावेशित या ऋण आवेशित होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, कोलाइडी कण जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन जो फिल्टर पत्र द्वारा इसे प्रवाहित किया जाता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। और धनावेशित या ऋणावेशित ये होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था है तो उनके बारे में हम देखते हैं। ये जो गैस होती हैं गाइस, तो हम इजी भाषा में अगर समझे तो जो पहले वाले दिए हैं ये विलायक, ये जो परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं इन्हें हम विलायक के तौर पर और परिक्षिप्त प्रावस्था जिन्हें हम विलेय के तौर पर देख सकते हैं। विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जबकि विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जब गैस में अगर द्रव्य को अगर हम देखें तो ये द्रव्य एरोसोल बनाता है। इसके बाद ठोस, अगर ठोस में विलेय हो तो इसे एरोसोल कहा जाता है। ठोस अगर गैस में घुली हो तो इसे गैस फैन कहा जाता है। और ठोस अगर द्रव्य में, ठोस में अगर द्रव्य घुला हो तो ये जेल बनाता है। इसके बाद ठोस में अगर ठोस बना हो, घुला हो तो इसे ठोसोल कहा जाता है। इसके बाद ठोस, सॉरी, द्रव्य में अगर द्रव्य घुला हो तो ये पायस कहलाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस ये द्रव, द्रव वाला, कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था यदि दोनों ही द्रव्य हो तो वो पायस कहलाता है, जैसे कि दूध। इसके बाद नेक्स्ट, द्रव्य और ठोस जो होते हैं जल के, जो सोल कहलाते हैं। इसके बाद द्रव्य में अगर गैस घुल हो तो वह झाग कहलाता है। इसके बाद ये हमने देखा कि उत्प्रेरक शब्द का सबसे प्रयोग, पहले प्रयोग जो बर्जिलियस नामक व्यक्ति हैं उन्होंने किया था। अब बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड के विलियम और द्रव्य कोलाइड, द्रव्य विरागी कोलाइड के बारे में। ये उत्क्रमणी कोलाइड होते हैं और इनकी शानता जो होती है अधिक होती है। द्रव स्नेही और द्रव विरागी दोनों ही अलग होते हैं, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव्य रागी कोलाइड दोनों की जो सिनोनिम्स हैं यानी समानार्थी शब्द हैं दोनों। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं ये और इनकी शानतना जो होती है वह अधिक होती है और इनका स्थायित्व अधिक होता है। ये जल में कम होते हैं और यानी कि जो द्रव्य जो जल के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें द्रव्य स्नेही कोलाइड कहा जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल देखें हम तो ये गोंद होते हैं। इसके बाद मिथेन निश्चित ताप से अधिक ताप पर जाने पर बनते हैं और उस साथ आपको क्रॉप ताप कहते हैं। इसके बाद बेंडिंग आर्क विधि जो धातुओं को कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसके बाद पेप्टीकरण जो है स्कंदन के विपरीत होता है। इसके बाद टिंडल प्रभाव की खोज वैज्ञानिक टिंडल ने की थी। इसके बाद ब्राउनी गति जो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1827 में की थी। इसके बाद कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। और पेप्टीकरण को हम देखें तो अवक्षेप को कोलाइडी साल में परिवर्तन करने की क्रिया पेप्टीकरण कहते हैं। और स्कंदन हार्टी-शुल्ज़े नियम का पालन करता है, जो स्कंदन होता है वह, इसमें आयनों की स्कंदन क्षमता जो होती है उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। और कोलाइड की रक्षण क्रिया जो होती है स्वर्ण संख्याओं में देखी जाती है, इसे वैज्ञानिक सिगमोंडी द्वारा दिया गया था। इसके बाद पायस को उसके घटकों से अपघटन करने की क्रिया को भी पायसीकरण क्रिया कहते हैं। और अपोहन की क्रिया शरीर की किडनी द्वारा होती है और कोलाइड का रंग आकार पर निर्भर करता है। तो ये थे आज के गाइस हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और ये आपके गाइस जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो बहुत ही ईजी रहते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।